जय हिंद दोस्तों। SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 की आंसर की आने के बाद में लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर राजस्थान की कट ऑफ कितनी जाएगी, हिमाचल की कट ऑफ कितनी जाएगी, असम की कट ऑफ कितनी जाएगी, साउथ के तमिलनाडु, केरल, इनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बने हुए हैं क्योंकि इस बार का जो पहली बार नेगेटिव मार्किंग होने के कारण बच्चों के अच्छे नंबर नहीं बन पा रहे, ऐसे में कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट बने हुए हैं कि सर क्या इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। तो दोस्तों आज हम मैनुअली बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाले स्टेट, बिल्कुल दोस्तों बाकी के स्टेटों की सबसे कम रहने वाली, सबसे कम कट ऑफ रहने वाले स्टेटों के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता दी। अब आज हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा कट ऑफ कौन कौन से राज्यों की रहेगी और इस बार कितनी उनकी कट ऑफ रहने वाली है, तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 से जुड़ी हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यादा कट ऑफ वाले राज्यों के बारे में जिनकी कट ऑफ ज्यादा रहने वाले, मतलब सबसे ज्यादा पिछली भर्ती की कट ऑफ है उससे इस बार की कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार नेगेटिव मार्किंग पहली बार SSC ले रही है और नेगेटिव मार्किंग का असर है वो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा क्योंकि इससे पहले दोस्तों SSC ने जो एक रिक्रूटमेंट करवाया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट करवाया था और उस रिक्रूटमेंट में भी पहली बार नेगेटिव मार्किंग SSC की तरफ से ली गई थी जिसकी कट ऑफ भी दोस्तों मात्र 54-55 के लगभग रही थी और फीमेल की तो 40 के लगभग ही रही थी। मैंने जबकि उसकी पिछली जो कट ऑफ थी वो 77 गई थी लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग से इतनी कम कट ऑफ आ गई। फिजिकल के बाद में भी अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ है वो लगभग 68 के लगभग गई थी। और दोस्तों इस बार की अगर बात करें SSC GD कांस्टेबल की कट ऑफ की तो सबसे हाई कट ऑफ वाले राज्य जिसकी अगर बात करें तो 2011 से लेकर 2018 तक की सभी SSC GD कांस्टेबल में सबसे हाई कट ऑफ ही देखने को मिली। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई कट ऑफ वाले राज्यों के बारे में। तो सबसे बड़ा स्टेट है और राजस्थान की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की पिछली बार भी 2018 की भर्ती में भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी और दोस्तों मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ होगी। कट ऑफ आएगी वो आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के आधार पर बन के आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके 60 नंबर है और आपकी कट ऑफ 70 नंबर पर आई है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपके रो मार्क्स है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके 15 नंबर बढ़ जाए और आपके डायरेक्टली 75 हो जाए। जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे हाई कट ऑफ वाले राज्यों की, तो राजस्थान। और राजस्थान की कट ऑफ अगर आपके इतने प्लस स्कोर बन रहा है, जनरल OBC की बात कर रहा हूं मैं, 75 के लगभग, 75 प्लस अगर स्कोर आपका जा रहा है, जनरल OBC वालों की बात कर रहा हूं मैं, मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट है 5 नंबर कम मान के चलिएगा अपनी कैटेगरी से। SC ST वाले कैंडिडेट है वो 70 प्लस अगर उनका स्कोर बन रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। हो सकता है दोस्तों आपके पेपर, आपके रो मार्क्स 60 हो, नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर बढ़ जाए, आपके 70 नंबर हो जाए। हो सकता है आपके 65 नंबर हो, नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर बढ़ जाए, आपके 75 हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड नंबर रहेगा दोस्तों आपका हरियाणा। बिल्कुल मैं आप सभी को बता देता हूँ हरियाणा की कट ऑफ भी अच्छी खासी रहती है, चाहे आप 2011 से लेकर 18 तक की SSC GD को उठा के देख लीजिएगा। और हरियाणा राजस्थान की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता, मात्र 1 से 2 नंबर का अंतर रहता है। तो यहां पर 75 के लगभग गई है तो यहां पर हरियाणा की कट ऑफ माने तो लगभग 74 या 73 तक कट ऑफ रह सकती है और ये नॉर्मलाइजेशन की बाद की कट ऑफ होगी। इसके अलावा SC ST की आप मान के चलिएगा 70 के लगभग, फीमेल है वो अपनी कैटेगरी से 5 नंबर कम से कम कम मान के चले। तीसरा स्टेट आता है दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद में हाई कट ऑफ वाला तीसरा राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ भी हरियाणा से लगभग 2 से 3 नंबर कम रहती है। लगभग अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं, 70 या 70 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो आप भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं यूपी वाले कैंडिडेट। और फीमेल की बात करें तो कम से कम आप 5 से 7 नंबर कम मान के चलिएगा, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं उससे इतनी कम आपकी कट ऑफ रहने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, यूपी के बाद में बात करते हैं दोस्तों हम बिहार के बारे में।
अगर बिहार की कट ऑफ की बात करें तो बिहार की कट ऑफ भी अच्छी खासी रहती है। बिहार की कट ऑफ की बात करें, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 68 प्लस अगर आपका स्कोर बढ़ रहा है मेल कैंडिडेट का जनरल और ओबीसी वालों का, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। एससी एसटी वाले कम से कम 2 से 3 नंबर कम मान के चलिएगा, और कैटेगरी से जो फीमेल कैंडिडेट है वो कम से कम 5 से 7 नंबर कम मान के चलिएगा। तो दोस्तों ये बड़े स्टेट है जिनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी, बाकी के स्टेट है उनकी कट ऑफ आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे राज्य लगभग ऐसे 10 से लेकर 15 तक ऐसे राज्य हैं जिनकी कट ऑफ मात्र 40 से लेकर 45 तक ही आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप 2011 से लेकर 2018 की कोई भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा, इन स्टेटों की कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं, साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।